एशिया कप 2023 का दूसरा मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान समाप्त हो चुका है, जहां इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम ने पहले बल्लेबाजी की, जहां बांग्लादेश के लिए मोहम्मद नईम और ताजिद हुसैन ने बारी की शुरुआत की, जहां ताजिद हुसैन शून्य और मोहम्मद नईम ने 16 रन की बारी खेली, जहां नजमुल हुसैन छंटो के अलावा बाकी किसी बांग्लादेश के खिलाड़ी ने कोई खास बारी नहीं खेली, जहां नजमुल हुसैन छंटो ने 122 गेंदों में 89 रन की बारी खेली, जहां छंटो ने 7 चौके लगाए, जहां शाकिब भी 5 रन बना के चलते बने और मुश्ताफिजुर रहीम ने 13 रन की पारी खेली, जहां कुल मिला के बांग्लादेश की टीम 42 ओवर के समाप्ति के बाद 164 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जहां गेंदबाजी में महेश दीक्षाना ने 8 ओवर 1 बैटिंग 19 रन खर्च करके 2 सफलता और महेश पथिराना ने 7.4 ओवर के समाप्ति के बाद 32 रन खर्च करके 4 सफलताएं हासिल की, जहाँ लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका टीम से पाथुम निसंका और दमोद करुणारत्ने ने बारी की शुरुआत की, जहां करुणारत्ने 1 और पाथुम निसंका 14 रन बना के चलते बने, जहां लगातार 2 विकेटें जल्द ही श्रीलंका की भी गिर गई, लेकिन कुशाल मैंडिस और सिधारा सिविकराना ने 54 रन की शानदार बारी खेली, जहां मैंडिस ने 5 और चरित आसलंका ने 62 रन की 92 गेंदों में बारी खेली, जहां जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले को 39 ओवर के समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 165 रन आसानी के साथ बना लिए, जहां ये मुकाबला 5 विकेट से श्रीलंका की टीम जीत चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।